एसोसिएट स्पॉन्सर रूपमंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एवं फेस वॉश। जुहार नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई अनुराधा खबर मुलकरमा मुख्या खबर नु सरला बहुत दिन अपेक्षा बर्गर रोड नु नुआपड़ा रोड के जीवा ट्रेन रेलपथ प्रकल्प के केंद्र ग्रीन सिग्नल 142 किलोमीटर दूरता थिवा ट्रेन लाइन लगी सरला सर्वे जोर धरला संरक्षण हटावार प्रतिवाद जिलापाल ऑफिस गेले हजार हजार आदिवासी पारंपरिक अस्त्र शस्त्र संगे भिन्न भिन्न जिला ने आदिवासी विक्षोभ राज्य सरकार को संरक्षण हटावा नीति के विरोध। सम्बलपुर श्रम ऑफिसर आरडीसी ऑफिस घेले अंगनवाड़ी कर्मी भिन्न भिन्न दाबी नेकी करुचन आंदोलन पेंशन आर दरमा बढ़ावार जिदने कर्मी। शिक्षक नियुक्ति लगी जूनियर शिक्षक संघर दाबी दुई दफा दाबी नेकी मुख्यमंत्री को जिलापाल जरिया ने दाबी पत्र बरगढ़ जिला ने 226 शिक्षक पदवी खाली पड़िथिबार अभियोग। सुवर्णपुर जिला बिनका ब्लॉक पापी गांव ने हाथी उत्पात 7 एकड़ धान 4 एकड़ पनीपरिया चाष नष्ट करिथिबार अभियोग प्रशासन के चाषी क्षतिपूरण दाबी। आज नु मूल है 15 नु 18 बछर पिलांकु टीकाकरण सामिल हेबे देशर प्राय 10 कोटी छुआ ओडिशा नु 23 लाख वैक्सीनेशन लक्ष्य राज्य ने हेचे 939 स्पेशल केंद्र। आयमा पूरा खबर के जोर धरला संरक्षण उच्छेद प्रतिवाद नुआपड़ा ने संरक्षण उच्छेद प्रतिवाद ने जिलापाल ऑफिस गेले हजार हजार आदिवासी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन ने आदिवासी मानक लगी संरक्षण हटावार प्रतिवाद ने आज हजार हजार आदिवासी जिलापाल ऑफिस घेराव करवा संगे धारणा देछन। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन ने राज्य सरकार आदिवासी मानक संरक्षण हटावा नीति के विरोध करिछन। पहला पछुआ वर्ग आर एवं आदिवासी मानकर हक के राज्य सरकार छड़े निउतवार अभियोग हेउचे। जिलार सबू ब्लॉक नु शह संख्यार आदिवासी माने आसिकिना एकजुट होते आर जिलापाल ऑफिस घेराव करिछन। आदिवासी मानक संरक्षण देवार व्यवस्था के राज्य सरकार जानी सुनिकिना अनदेखा करुचन बोली सेमाने अभियोग आनिछन। साडे जिलापाल ऑफिस सामना रे उत्तेजना परिस्थिति देखबा के मिलिछे। बलांगीर जिला आदिवासी कल्याण संघ राज्य सरकार को पंचायत निर्वाचन में संरक्षण व्यवस्था के उच्छेद प्रतिवाद ने जोर देखा के मिली। आज संघर हजार हजार आदिवासी शोभा यात्रा ने भारी थे और जिलापाल कार्यालय घेराव करते। राज्य सरकार आदिवासी संरक्षण व्यवस्था चालू नहीं कले आगे आहरी जोरदार आंदोलन होगा बोलना चेतावनी दी जाइए। विक्षोभ कर जो कोटा को राज्य सरकार काटी देते प्रत्येक वर्ष आदिवासी को सम्मान जन कोटा आरक्षण कथा कहूँ संरक्षण कथा कहूँ प्रावधान थिला संविधान में प्रावधान अच्छी चलित वर्ष अच्छी तो हठात राज्य सरकार आदिवासी को कोटा को कहीं काटिदेले। एटा पूरापूरी भाव में भारतीय संविधान आर्टिकल 243 उल्लंघन ओडिशा ग्राम पंचायत एक्ट उल्लंघन ओडिशा पंचायत समिति एक्ट उल्लंघन होता पूरापूरी असंवैधानिक अगणतांत्रिक एवं संपूर्ण भाव में बेआईन एवं संपूर्ण भाव में आदिवासी विरोधी कार्य ओडिशा सरकार करिछन पंचायत राज विभाग करिछन। इटा सब प्रकार आईन कानून के नीति नियम के भारतर संविधान के उल्लंघन करी गोटे त्रुटिपूर्ण तालिका तैयारी करिछन। विक्षोभ रे बहुत संख्या जोग देछन 10,000 20,000 कम हेबे नहीं तो यही पंचायत निर्वाचन रे सरकार नवीन सरकार आमर बलांगीर जिले में 72 ग्राम पंचायत संरक्षण होगा कथा से भूक्षेप कर देछन छाड़ी देछन उच्छेद करछन। तेणुकरी आम आमर बलांगीर जिले में महारैली हेबो आउर बहुत दिन पर्यटन रैली करूँ जमी कृषक रैली करते आम मत कृषक रैली परी तार जो आईनटा को जेपर्यंत ये संशोधन करी भी नहीं से पर्यटन आम आंदोलन करूँ। जिते पर्यंत राज्य सरकार आईन को जो हिसाब से आदिवासी कोटा काटी देखते संशोधन न करती तेज राज्य सरकार विरोध में आदिवासी कल्याण संघ राजनीतिक शासन कर जो राज्य सरकार को घोर विरोध कर आंदोलन ये दिने नुहे परवर्ती समय जोरदार आंदोलन करपरिक त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को प्रति पंचायत विरोध करने को आदिवासी कल्याण संघ दाबी करुच्ची एवं राज्य सरकार को चेताई दूसरी जदि तांकर संरक्षण कोटा को पुनर्बार संशोधन नक स्थान न दिया न जाए तेबे आदिवासी आंदोलन आगक जोरदार आंदोलन रूप नब बोली आदिवासी नेता माने प्रकाश करुँच। बलांगीर वीडियो जर्नालीस्ट सुजीत सेठ सह तरुण साहू, अर्गस न्यूज। बरगढ़ ने अन्नदाता को अनदेखा, पदमपुर मंडी ने धान नहीं उठवानु चाषी को रास्ता रोक। टोकन अवधि समय शेष होता बेलके एवं मंडी ने धान उठुन अभियोग करा आंचलिक कृषक महासंघ आड़ आंदोलन करतुंडा छक पाखे पाइकमाल नुआपड़ा विजु एक्सप्रेस वे के बंद कर चाषी मैंने शिक्षक नियुक्ति लगी जूनियर शिक्षक संघर दाबी। बरगढ़ जिलार एसएसडी विद्यालय मान के शिक्षक नियुक्ति लगी संशोधन विज्ञप्ति प्रकाश संगे दुई दफा दाबी नहीं कि मुख्यमंत्री को जिलापाल जरिया ने दाबी पत्र दीचन कनिष्ठ शिक्षक आशायी संघ। बरगढ़ जिलापाल कार्यालय सामना ने विक्षोभ करवा संगे जिलापाल मुख्यमंत्री उद्देश्य रे गोटे दाबी पत्र दीचन। राइज ने एसएसडी विद्यालय मान के 1575 शिक्षक पदवी खाली पड़ी बेलके खाली बरगढ़ जिला ने 226 शिक्षक पदवी खाली रही। मात्र सरकार खाली प्रतिश्रुति देकिना भूली जाउतबार संघ कहिचे। एसएसडी स्कूल ने खाली थिबार सबु शिक्षक पदवी पूरण ने हेले और संशोधन विज्ञप्ति प्रकाश करा जाउ बोलिकिना संघ आडू दाबी हिचे। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे यहादे 6 बरस हेलानो कनिष्ठ शिक्षक ने बाहर बार तेल से प्रति वर्ष जेन बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेन अच्छे आमर डायट रे 100-100टा पिला जदि बाहर बेले मिनिमम आमर इन 1000टा पिला यहाँ बाहर किंतु से ऊपर किसी पदक्षेप नाइन कि निजुक्ति नाइन गवर्नमेंट खाली निजुक्ति बाहर करवा गोटे प्रतिश्रुति दौन लेकिन केवे ना बाहर करवा तो आम यहाँ आम दाबीटा यहाँ करुचे जेन 226टा पोस्ट लाइक नोटिफिकेशन होता से 226टा पोस्ट के तुरंत नियुक्ति करा जाओ। जेन 18टा पोस्ट बाहर कर रिव्यू करी 226टा पोस्ट लगी हमको अनुमति दिया जाओ आज कि हमें रिक्रूटमेंट हमें शामिल हो पारमो। पश्चिम ओडिशा आंगनबाड़ी कर्मी और सहायिका संघ आड़ संबलपुर श्रम ऑफिस और आरडीसी ऑफिस घेराव। गोटे विशाल रैली ने आंगनबाड़ी कर्मी माने ऑफिस घेराव करिसन। रैली ने हजार हजार कर्मी जोग देइतिबार बेलके पेंशन और दरमा बढ़ावा निकना दाबी करिसन। आमर पश्चिम ओडिशा अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका संघ 6-7 दिन पूर्व गोटे डिमांडटे आमको प्लेस करते जो थी कि तांकर डिमांड थिला जे जेते अंगनवाड़ी कर्मी अछंती तांकू आमर जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट अछि सेथिरे सब तांकू इंक्लूड करिया पय ओडिशा गवर्नमेंट अनुसार आउ तांकर जो सब जेते जहा सब अछंती कर्मी सब तांकु डिमांडटा मेनली आपंकर रेगुलराइजेशनटा थिला प्लस तांकर जो बेनिफिट गुड़ा सब जोड़ा आपंकर आमर जो बोर्ड अच्छी वेलफेयर बोर्ड दीटा अनऑर्गेनाइज आउटसोर्सिंग ईयर जोटा कंस्ट्रक्शन रो तो देखिए आम से तर्जमा करके कौन गवर्नमेंट को सजेसन दवा कथा आम देवु। आज आम जो लड़ाई करुचु अंगनवाड़ी कर्मी को श्रमिक मान्यता देवाई अंगनवाड़ी कर्मी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन ग्रेच्युटी देवाई आज आम कहूँ राज्य सरकार को एवं केंद्र सरकार को कहूँ जे अंगनवाड़ी कर्मी जेहेतु असंगठित क्षेत्र में काम कर शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रे अंगनवाड़ी टीचर रूपे घोषणा करा जाओ एवं शामिल करें दाबी करूँ। माँ छुआ भी कांदले नाई कांदबार तो माँ बोधे गुरस नहीं दी सेनता सरकार भी भैरा सरकार बार बार तार काने जदि आमर आवाज नहीं पड़वा बोधे से सुनबार लगी नाराज जदि आमर कोविड रो कटकणा नहीं था बोधे संबलपुर आज लाल आउ निलिया रे भरी जाई था ई दाबी नहीं आम सरकार पाके जाऊँ। सुवर्णपुर जिला बिनका ब्लॉक पापिक गाँव ने हाथी उत्पात। हाथीपल 7 एकड़ धान फसल नष्ट कर बेलके 4 एकड़ पनीपरिया चाष नष्ट कर अभियोग आई। वन विभाग अधिकारी कार्यकलाप के नहीं किना चाषी माने असंतोष जाहिर करिसन। ओहो आसो दीर्घ डेढ़ मास हला बिनका अंचल रे हाथी उपद्रव लागी रही। गतकाली बिनका अंचल सिंघिजुवा जंगल रे हाथी 30-40 फुट रही जे सूचना मिलता और विभिन्न गाँ के जाकर क्षय क्षति करते से कमिरा गाँ गतकाली क्षय क्षति करते 200 पैकेट धान खाई देते हाथी पल। किंतु बारंबार प्रशासन के जनाला पर भी आज से किसी आखिदृशिया स्टेप नाई नबार लगे आज सिंघिजुवा जंगल रू फेर आसिकी पापी गाँव में बहुत क्षय क्षति कर गोटे चाषीकर पनीपरिया 4 एकड़ क्षति करवार संगे संगे गोटे चाषीकर 7 एकड़ धान खरी और चुन धान खाई देछन हाथी मैंने। तेज आम पाखे चाषी जेन मान क्षति अच्छन सीधा सड़क प्रतिज्ञा नमा आज्ञा आपणकर केते धान थिला केंता हिसाब से और आप क्षय क्षति केते एकड़ पाखापाखी आप 7 एकड़ थिला धान खरी गदा होता से तो सब खाई देछन किसी बंची आ चुन धान थिला 2 एकड़ सेटा भी खाई देछन किसी बंची आपन को तमाने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ आपन को आसिक देखा देखी कले न केते क्षय क्षति काना कि आप इनफॉरमेशन देते को इनफॉरमेशन दिया है जे सेमाने नहीं आसबार तेल देखी आसमो बोली कहूछन देखबार गले गोटे किसी ना भी 4 घंटा बीतीगला न पाखापाखी तथापि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इनफॉरमेशन देलापर भी से आज के फिल्ड के आसिक क्षयक्षति नुहे देखताली केते बेपार मनोभाव रे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चलती आप जानीपे आमर पाखे अच्छन आउ जन पनीपरिया चाषी जे कि क्षति होचे तांकर सीधा सड़क प्रतिक्रिया नमा सर आपन केते एकड़ पनीपरिया करथिले काना काना जगैथिले आर क्षयक्षति केते पाखापाखी आज्ञा 4 एकड़ पनीपरिया जगाईला आईटा हूँ कोबी बंधाकोबी फुलकोबी तापर झुलेर कल्ला आलू तापर जनी जगाही पातलघंटा जगाही सबू जो 4 एकड़ संपूर्ण जगै मूला जगाही आज राति गला राति आगुरी तो बरहा आसिक जहाँ क्षति करुले किंतु 6 दिन हलान यहाँ हाथी आसिक एपरी आकार क्षति कर चाषीर लगी असह्य। आज आमर लाख बरमस करी मिनिमम किसी ना हेले भी आमे चाष ट्रैक्टर रु आरंभ कले जी खर्चा होइए हिसाब करमा बोले आमटा 7-8 लक्ष टका खर्चा होइए आमे मिनिमम 12-14 लक्ष टका आमे आमदानी पाऊँ बोलिक चिंता करूँ किंतु सबू जदि आज आमको आम आखिर पानी झरी जाऊँगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ आसीचन किसी देखीचन काण कौन से आज्ञा आम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितेबाला जनइचु से आसीचन आमको किसी प्रतिश्रुति नहीं देवा कि आमको किसी सांत्वनामूलक कथा भी ना कहबार काण करबे काणा नहीं ई कथा भी आमे ना जानि पारबार। देखबार गले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब क्षेत्र में विफल होइछ बोली जना पड़ुछे। तेबे आमर संगे जने स्थायी बासिंदा अछन सर आपन को आमर गोटे प्रश्न होचे जे दीर्घ 7 दिन हला संरक्षित जंगल जेनटा सिंघिजुवार अछन हाथी को बारंबार वन विभाग अच्छे सतर्क मध्य पूर्व चाषी मैंने करछन तेबे तार परे भी एते क्षयक्षति होइछ आर सेतरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो अपारगता केते जना पड़ुछे। देखुन सर प्रथमे तो इनो हाथी जंगल रे बसवास ना करुथई प्रथमे बरहा आसिक इनर चाषी मानकर बहुत क्षय क्षति करुला जेनटा कि आकलन कलापर भी कम्प्लेन कले भी सेमाने एंता ना पाई पारुथई कौन से क्षय क्षति जंगल डिपार्टमेंटर अपारगता निश्चित भाव में रही हाथी मैंने केनु आसले केभे आसले केंती आसले चाषी मैंने खबर देलापर भी सेमाने कौन पदक्षेप ना नबार जदि अंचल साइड साइड माने तारवाड़ा दिया जाता कौन हाथी की गोटे अटकाबार कौन योजना करा जाता ताहले चाषी मैंने क्षय क्षति वंचित देते लाख बरमस विभिन्न प्रकार करी चाषी मैंने चाष कर उचित पेयट से पाई ना पारबार आउ इथिलागि संपूर्ण भाव वन विभाग दायी। देखबार गले वन विभाग नारे बहुत ए प्रश्न उठुछि जे वन विभाग के बारंबार जनाला पर भी कौन पदक्षेप आखिदृशिया पदक्षेप ना नबारगे आउ चाषी मानकर सुनार फसल तथा पनीपरिया जेन थे कि आमर परिवार चलुचे आउ से चाषी मैंने से बिक्री करी निजर परिवार प्रतिपोषण करुचन से फसल आज नष्ट हो जाए हाथी मान पल आसिक नष्ट करुचन आर बारंबार दीर्घ 4 वर्ष है बिनका अंचल रे बारंबार से हाथी माने हाथी पल आसन क्षति करजन तो आर पर भी वन विभाग कौन स्टेप ना नबाटा सरकार कौन पदक्षेप ना नबाटा बहुत दुखर विषय है आर बर्तमान प्रशासन प्रति एटा गोटे प्रश्नवाची सृष्टि करछे जे ये हाथी पल केबे जीवे आर चाषी तार सुनार फसल के केबे सुरक्षा पाई पारबा आर सरकार केबे से सुना फसल सुरक्षा देवा एबे प्रश्नवाची सृष्टि करछे सरकार के प्रति। सुवर्णपुर जिला बिनकार सृजन कुमार पंडा अर्गस न्यूज। आके भी खबर देखमा एबे समय गोटे ब्रेक रो ब्रेक उतरु स्वागत खबर के फिरमा गुटे बिल्डिंग किंतु दुई दुई थर उद्घाटन कले मुख्यमंत्री पहला गुटे ना आने तार परे आर गुटे ना आने राज्य सरकार और संबलपुर जिला प्रशासन लोक मान के ठकुतबार अभियोग होइछे नुआ बिल्डिंग लगी राशि थिबा टंका काई गला बोली प्रश्न करिचन शहरवासी। गोटे किंतु दुई दुई थर उद्घाटन 5 बछर आगु गुटे नाने एबे आर गुटे नाने 2016 फेब्रुआरी 27 तारिख 2021 डिसेम्बर 30 तारिख सेतेबेले पश्चिम ओडिशा स्वाधीनता संग्रामी स्मृति संग्रहालय आर एबे आंचलिक आर्ट गैलेरी संबलपुर बड़बजार अंचल गौरीशंकर पार्क ने थिबार पश्चिम ओडिशा स्वाधीनता संग्रामी स्मृति संग्रहालय के सेतेबेले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्घाटन करथिले। से समियाने संबलपुर बीजेडी नेत्री राशेश्वरी पाणिग्राही विधायक थिबार बेलके पश्चिम ओडिशा विकास परिषद पांठी आडू टंका खर्चा होइतिला। संग्रहालय ने पश्चिम ओडिशा स्वाधीनता संग्रामी स्मृति आर इतिहास रखायबा बोली कहगला, किंतु कहितिबार कथा हिसाब से किछि नै हेई। जिला प्रशासन आर सरकारनकर देखारखा अभाव नु मदुआ मतलियांकर आड्डा पलटितिला। संग्रहालय लोक माने भी किछि बुझी ना बार बार जिनिसटा काना होउचे। एटा गुटे गुटे बिल्डिंग के दुदी थर उद्घाटन कराउचे, सेति रक्षणाबेक्षण किछि नानो। एटा भी किछि दिन रहबा तापर नुवा हिसाबे किछि गुटे उद्घाटन करि दिया हा। जिला प्रशासन बोधवे मते जहा लागुची मुख्यमंत्री को भकुआ बने दिसंती। ए सब करिकि सेम जिनसटा को पुणी थरे मुख्यमंत्री एटा उद्घाटन करिसंती। एटा खाली टंका अर्थ श्राद्ध एथरे बहुत गुड़ा पैसार घपला है। तदंत सापेक्ष ए जिनसटा चित्रशिल्पी आर कलाकार मानकर कलाकृति देखाबार लागि राज्य सरकार डिसेम्बर 30 तारिख ये आर्ट गैलेरी उद्घाटन करिछन। सियाडे 2016 मसीहा ने बिल्डिंग लागि लाख लाख टंका खर्चा हेतिला। आर एबे आर्ट गैलेरी बनाबार लागि राशिथिबा अनुदान टंका काई गला बोली प्रश्न करिछन शहरवासी। हमर पश्चिमांचल रे जतिकी आर्टिस्ट अच्छे से मैंने गैलेरीटा गोटे विराट बड़ प्लाटफर्म निजर कला को प्रदर्शन करें और निज कला को लोकलोचन को आनीपर से अलरेडी स्वाधीनता संग्राम लगे तो गैलेरी होता से पैसा मान उद्घाटन भी होचे। आज 5-6 वर्ष सरापर भी से कम नहीं करी से जगह आउ गोटे भी उद्घाटन करा जेटा दुर्भाग्यजनक कौन सी कम भी ना होबार और उद्घाटन कर पैसा जी से पैसा कहीं गला। जिला प्रशासन भी कोई जाना नहीं भी गोटे कोठरी दुई दुई उद्घाटन कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। प्रथम संग्रहालय आउ एबे आर्ट गैलेरी एभली असंभव कथा संबलपुर जिले में संभव हो पारुची, जहाक ने साधारण बड़ प्रश्न उठुची। संबलपुर कैमरा पर्सन अजित मंचोर मलय भाई, आर्गस न्यूज। राउरकेला ने निज जन्मकला नाबालिका झी के बापा दुष्कर्म चेष्टा करिथिबार अभियोग घटना एबे तक तो केनसी कार्यानुष्ठान नहीं नियाजाई। सेतिलागी आज बीजेपी महिला मोर्चा आड़ू एसपी को देखा करना घटना बाबद ने जनईथिले। एसपी मुकेश कुमार भांबो कथा देइछन जे खूब जल्दी इ बाबद ने कार्यानुष्ठान नियाजिबा। जदि दाबी पूरा नहीं हुए तो आइबार दिन राजरास्ता के उल्हावे बोली चेतावनी देइछे। गला किछि दिन तले दुष्कर्म अभियोग आनिकी राउरकेला महिला थाना ने लिखित अभियोग करथिले झिअरमा। केस लज हबार आज के दिन होगलाणी डिसेम्बर 14 केस लज होगा। वर्तमान तक एक्यूज को गिरफ्त करा जाइना, ता सहित विभिन्न प्रकार धमक चमक से महिला को मिलूँ। तो या उपरे गिरफ्त करार दाबी नहीं आम एसपी पाक आसलु। अमरेश माझी को तुरंत गिरफ्त करा जाऊ एवं सांतामीज एवं झील प्रति होता असदाचरण न्याय मिलवा दरकार। जो भाया व्यवहार से व्यवहार रे पिलाटी पूरा 9th क्लास रे पाठ पढ़ुची ता प्रति बहुत माने एटा देखिक हम बहुत दुख कलु, जहाँद्वारा कि एसपी को द्वारस्थ होचु। एसपी को आम जनुचे पुलिस आप कौन नौ ना जेहेतु नेता मान चापर बशवर्ती है। तेना आम चाहूँ ताकू न्याय मिलू। ये जो पिता जो माने पिता समान आम जिनटा को आखि आगे आनीचे बापा भाया लोक आरेस्ट कराऊ। कलाहांडी ने 86,000 टीका ने 15 नु 18 बछर छुआ माने। आज नु राज्य ने 15 बछर नु 18 बछर छुआ मान को टीकाकरण करा जाउचे। इथिल लागी 45,000 पंजीकरण करिथिबार बेलके जेन माने पंजीकरण नै करी सेमान को ऑन स्पॉट पंजीकरण करिकिना टीका देबाके व्यवस्था करा जाइचे। कलाहांडी जिलार भवानीपाटना सहर रो स्वास्थ्य केन्द्र ने टीका दिया जाउचे। 28टा टीकादान केन्द्र रे टीका नेबा लागी व्यवस्था करा जाइथिबार बेलके 86,400 जन टीका नेबाके लक्ष्य करा जाइचे। याडे जे कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण धीरे धीरे बढ़ुवा लगी इ ने कि स्वास्थ्य विभाग सजग रहबा के कलाहांडी सीडीएम लोक मान को निवेदन करिछन। हमें आज आरंभ करिछु 15 ରୁ 18 वर्ष पिला को टीका दवा। हमर टार्गेट ग्रुप रहिसंती 86,400। आज आम 28टा सेंटर रे दौचु कोविड वैक्सीनेशन चली। किसी लोक ऑनलाइन बुक कर किसी ऑफलाइन कर पदक्षेप नहीं आरंभ है 10 तारीख रु सबू फास्ट लाइन वर्कर मानक दिज्व टीका यहाँ दिहे कोभाक्सिन आगुरी दिहे कोविशील्ड यहाँ दिहे कोभाक्सिन। बर्तमान ओमिक्रॉन को आखि आगे रखी समस्ते एसओपी प्रैक्टिस करा जमी मास्क सानिटाइजर डिस्टेंस मेंटेन करा पड़ो। ओमिक्रॉन है ना बोली आम पदक्षेप न ना जदि आम विपद को टाणी आने। बेलपड़ा पंचायत ठानु 2 किलोमीटर दूरे अच्छे तिलेमाल गाँव एबे तक तो गाँ के लाइट सेवा पहुँची नहीं पार्ला। पाटनागढ़ उपखंड बेलपड़ा ब्लॉक तिलेमाल गाँव ने एबे तक तो भी लोक माने अंधारी जीवन काटुचन। देखमाई रिपोर्ट। बेल बुडले माड़ी आउचे डर जेनाडे देखबो सियाडे खाली अंधार। केबे बिजली देखबा तिलेमाल गाँव 100 मीटर दूरे रही लाइन खुटा। मात्र बलांगीर जिला बेलपड़ा ब्लॉक तिलेमाल गाँव के पहुंची नहीं पार्बार विद्युत सेवा जार लगी सब समय डिब्री लगे कि निजर जीवन काटुचन गाँ लुके। पिला माने टीवी कि रेडियो काना नहीं जानी काँ भा कार पाखे मोबाइल थिले भी पाखे थिबार गोटे कारखाना के जाइकिना मोबाइल चार्ज करुचन। राय थिले पिलांकर पाठपढ़ा संगे घरू बाहरिबा मुश्किल ही पड़ुचे। असुविधा वाले लाइन फाइन किछु नहीं रोड फोड किछु नहीं आ गया अंधारा सांप कोटिया बेसु कोटिया बाहर से किछु आमको मिलवार नहीं के चलुछु आ गया अंधार राति जेनाड़ गला आना जाना होछु। आमको सरकार भी किछु आमर बीपीएल लाइन मिलुचे से बीपीएल लाइन भी आमको सरकार नहीं देवार आ गया। लाइन फेन किछि नहीं ना बहुत असुविधा छे बाहर रास्ता घाट किछि नहीं ना सरकार तो आमके देवा नहीं सब पासरी दुछे। खूब असुविधा अच्छे पिला छुआ पढ़ुछन असुविधा खाली 2-3 किलोमीटर हवा बेलपड़ा नु अच्छू इठाने आरु पूरा 70-80% सालाना इठाने अच्छू किसी सोर करवार सरकार। विद्युत समस्या बाबत ने बहुत थर प्रशासन के जनईछन गाँ लुके हेले केनसी लाभ नहीं सियाड़े प्रशासन केनसी पदक्षेप नहीं नेबानु बेलपड़ा जने समाजसेवी आलोल बेहरा गोटे सोलार लाइट जुगे दीछन। गुलगुला हेकर चलुछु ना अंतर रात बिकाल तो चलु सुना गया कोन असुविधा हो जे लाइन नी कि किछु नी रोड भी नी रोड रास्ता किछु नी करबा सरकार। पिला चार स्कूल दूरिया ही जो छे सेनु पढ़ी करे ले इने अंधार रात केते पढ़बे नी पढ़न न केंदा पढ़ु डिब्री उ केथि पढ़ु छन। हमर सरकार देखुन सौभाग्य योजना रे इलेक्ट्रिक गुटे दुईटा परिवार थिले भी आमे लाइन लगे होछि किंतु आमे बारंबार हमर तिलेमाल जगारो मुई समस्त को नै गिरी इलेक्ट्रिक ऑफिस रे आमे एप्लीकेशन करछु हमर के लाइन आसो बोलगिरी किंतु आज तक केही नै सुनबार समस्त को एस्टीमेट हेछि विधायक महोदय भी तांको जणा हेछि से कहले बहुत जल्दी लागि जिबा बोलि किंतु ए पर्यंत नै लागबार आज्ञा एमन को आज्ञा गुटे आमे सोलार टे सहयोग करथिनु गुटे सोलार टे खाली देइछु से सोलार जरिया रे माने चलुछन आ राति आज्ञा लंठन डिब्री ये सब जिनिस रे चलुछन तांकर छुआ माने भी सेतिरे पाठ पढुछन दिन बेला पाठ पढुछन राति तो डिब्री लगे किरोसिनी तो देखुछन असुविधा अछि किंतु सेतिरे भी से माने गुजराण मेंट करूछन। राज्य सरकार योजना ऊपर योजना करूछंती हेले बेलपड़ा ब्लॉक तिलेमेल गाँव रे सौभाग्य योजना फेल मारिजी। तिलेमेल गाँव 20टी परिवार दीर्घ 30 वर्ष हेलाण अंधार रे जीवन काटुचंती सेमाने बारंबार प्रशासन को अनुरोध करदेले मध्य प्रशासन कोनोसी पदक्षेप नउ नांती। पाटनागढ़ बेलपड़ारू सदाशिव सराफ, अर्गस न्यूज। नुआ बछने डिसेंबर 31 तारीख नु जानुरी 2 तारीख तक माँ समलेश्वरी मंदिर बंद थिला। आज फेर दर्शन दीचन अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी। नुआ वर्ष पहला दिने आज माँ दर्शन देथिबा लागि भक्त मानकर भीड़ देखबा के मिलिथिला। नुआ बछर लगी डिसेंबर 31 नु जनवरी 2 तारीख तक बंद थिला संबलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी मंदिर। भक्त माने मांकर साधारण दर्शन नु वंचित होते हेले आज का होचे 3 तारीख आज फेर थरे मांकर मंदिर खुली जाइए। बहुत दूर दूरांतर नु भक्त श्रद्धालु आसीछन मांकर दर्शन करूछन आ समस्तन को गोटे प्रकार शांति मिलूचे कहले चले कहीं समस्ते भाविथेसन जे नुआ बछर ने मांकर मुँह देखिक नुआ बछर मूल करमु हेले कटकणा लगी भिड़ के नियंत्रण करवा लगी मंदिर बंद थिला। बाहर भक्त श्रद्धालु माने भी आसीछन तंकर प्रतिक्रिया नवा लगी चेष्टा करमा। आगे आपण केन आइसले हम बलांगीर आसीछु नुआ वर्ष लागी मांकर मंदिर बंद थिला आज खुली छी आपण आसी करी दर्शन कले आज पहला दर्शन नुआ वर्ष रे केनता लागु छी ना हम एबे दर्शन करी नाही पालनु 1:30 पीएम रे दर्शन करवा लई फेर आसमु बहुत खुश लागला आसी करी फिर भी आम टाइम व्वेट कर देखबार लगी चाहूँ माँ को दर्शन करवार बलांगीर माँ दर्शन आज करबे केनता लागुछे खुशी तो लगुच इच्छा तो अच्छे दर्शन करा बाकी तो बंद अच्छे कौच निहाती देखमा संध्या 1 बजे खुलवा बोलछन अपेक्षा करछु आ 1 बजे रु खुलवे बोलछन जे 1 रु 7:30 बजे तक खुला हवा जे 1 बजे आमे आमु अवतार दर्शन करी आज मांकर दर्शन करबे नुवा वर्ष रे एटा मांकर पहिला दर्शन होय केनता लागुछ आपन खुशी लागुछ एते दिन बंद थिला फेन दर्शन करू मुझे नियति भावे भक्त श्रद्धालु मानकर भी प्रतिक्रिया नौतला आज नुआ वर्ष 2022 रे आज पहला मांकर दर्शन करबे तो पुजारी भी अछन तंगर प्रतिक्रिया नमा आज्ञा 4 दिन धरि करी मांकर दर्शन बंद थिला कोबी कटकणा लगी आज फिर थरे मंदिर खुली छे काणा काणा नीति नियम यानी तो हम 30 तारीख नु 2 तारीख तक मंदिर बंद थिला आ आज 3 तारीख मंदिर खुला गला आ जनता जेन कोविड पहलार जेन कोविड नियम रे मंदिर चालुतला से हिसाब से चालू छे सखालो 5टा रो मंदिर आलती होचे आ ठीक 12 बजे अन्न भोग लागुचे। नुआखे एक्सप्रेस के इनरखमा रहुचें जुहार।